व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल फैशन बाय हादिया। आज मैं आप लोगों के लिए तीन कुर्तियों का बहुत ही खूबसूरत ब्लॉग लेकर आई हूँ। वीडियो को कट मत कीजिएगा, इसको एंड तक देखिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। ये हमारी शर्ट ड्रेस जो है ये क्रिम्सन बाय साइरस की शकीरा की है। हमने इसको इस शर्ट में से हमारे जो कस्टमर हैं, हमारे कस्टमर ने इसकी डिमांड की थी कि हमें एक शर्ट में से दो शर्ट्स बनानी है, तो हमने उसी तरीके से हमने एक शर्ट के में से दो शर्ट को हमने तैयार किया है। ये बहुत ज़्यादा हैवी एम्ब्रॉयडरी वाली शर्ट है, स्किन कलर की इसके ऊपर एम्ब्रॉयडरी हुई भी है। इसके साइड पर हमें सेपरेट से कलियाँ दी गई थी और इसके दरमियान में जो है हम लोगों को एक बहुत ही जोड़ी सी लैस दी गई थी, उसके वजह से ये बहुत ज़्यादा हैवी सा लग रहा था ड्रेस। तो जिस तरीके से हमारे कस्टमर ने हमें कहा कि वो लैस हमें इसके ऊपर नहीं चाहिए, तो हमने यहाँ पर उसके इस जगह पर सीढ़ी लैस लगा दी ताकि ये जब हम इसके कलियों को हम आपस में अटैच करें तो ये बुरी ना लगे। इसलिए मैंने इसके यहाँ पर साइड पर मैंने कलियों के जहाँ पर जोड़ लगाना था कलियों का, उसके दरमियान में मैंने सीढ़ी लैस लगा दी इस तरीके से वी गले के साथ। फिर हमें यहाँ पर इसका जो है यहाँ तक इसकी कढ़ाई हुई, फिर इसके दरमियान में आकर यहाँ पर हमें एक पैनल सेपरेट से दिया गया, वो हमने एक साथ कढ़ाई वाले से अटैच करवाया इस तरीके से। इसके बाजू पर जो बिल्कुल सिंपल हैं, तो बाजुओं के आगे सिर्फ हम लोगों ने जो हमें इसके साथ ही लैस मिली थी कटवर्क वाली, वो हमने इसके लैस लगा दी। इसके चौक और दामन पर हमने पाइपिंग की है स्किन कलर की, डोरी वाली पाइपिंग की है हमने इसके यहाँ पर। और जो इसके पैनल हैं ये भी हमें इसके साथ ही मिले थे, तो एक इस तरफ लगाया इस तरीके से। ये हमने एक कढ़ाई वाले से पैनल लगवा लिए, एक दो तीन, ये तीन पैनल हमें इसके साथ मिले थे, हमने एक कढ़ाई वाले से इसके पैनल लगवा लिए। बहुत ही खूबसूरत शर्ट है। इसकी बैक साइड है वो भी एम्ब्रॉयडरी वाली है, फुल हैवी एम्ब्रॉयडरी वाली। इसके दरमियान में इस तरीके से एक बहुत खूबसूरत सा राउंड शेप में फ्लावर्स बने हुए हैं और साइड पे इस तरीके से ही हमें इसकी कलियां दी गई थी, इनको हमने साथ में अटैच किया और फिर दोबारा से सादी कलियां मिली थी हमें इसकी, हमने उन कलियों को दरमियान में अटैच किया। ये वाली कलियां हमने इसी तरीके से ऊपर रख के लगा दी क्योंकि इसके यहाँ पर हमें बॉर्डर दिया गया था बॉर्डर की पट्टी पर, तो इसके ऊपर लैस सिलाई लगा दी हमने और यहाँ पर हम लोगों ने सीढ़ी लैस लगा दी ताकि ये बुरी ना लगे। बैक साइड सेम इसी तरीके से है, ठीक है। जो बाकी इसका बकिया हिस्सा बचा था हमने उसका इस तरीके से दूसरी शर्ट को हमने तैयार किया है। वो दूसरी शर्ट इससे भी ज़्यादा बल्कि मुझे बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगी, डिसेंट शर्ट बनी है इसकी दूसरी वाली जो शर्ट बनाई है हमने। ये वाली दूसरी शर्ट है इसकी, ये वाला जो है लेस हमें उसके साथ दी गई थी कलियों के साथ अटैच करने के लिए, लेकिन उसकी इसकी वजह से बहुत ज़्यादा हैवी लग रहा था। ये वही कलियां हैं जो बैक साइड पर हमें मिली थी, ये छोटे छोटे से दो बॉर्डर जो उनसे हैं, ये लगाने के बाद हमने ये जो है ये हमने लगाने के बाद हमने यहाँ पर इनको दो दो पट्टियाँ लगाकर इनको दो दो मरतबा लगाया है ताकि ये थोड़ी सी फ्रंट से हैवी लगे। दरमियान में हमने इसको ओपन रखा है, इसका हमने बैन वाला गला बनाने के बाद नीचे से हमने वी शेप दी और उसके बाद हमने पाइपिंग लगाई है इसके डोरी वाली स्किन कलर की सिलक के साथ, ठीक है। यहाँ पर हमने लूप्स लगाए हैं जो हमने दरमियान से इसको ओपन रखा है, वहाँ पर लूप्स लगाने के बाद उसके ऊपर वाइट कलर के हमने गोली बटन इसको कहते हैं वो वाले सिंपल हमने स्किन कलर के बटन लगाए हैं। बाजू हमने इसके भी सिंपल ही रखे हैं, सिर्फ इसके आगे वाइट कलर की लैस लगाई है स्किन कलर के पलटे के साथ। जो इसकी दामन पर और मैंने इसके चौक पर इसी तरीके से स्किन कलर की पाइपिंग की है, डोरी वाली ही पाइपिंग की है मैंने यहाँ पर भी। देखिए इसकी लुक कितनी खूबसूरत लग रही है, सच में बहुत खूबसूरत ये ड्रेस लग रहा है। अगर आप लोगों के पास भी इस तरीके से बॉर्डर्स वगैरह बच जाते हैं, अगर आप लोगों के पास भी बच जाते हैं इसके इस तरह के बॉर्डर्स वगैरह, तो आप इसकी इस तरीके से डिजाइनिंग कर सकते हैं। बहुत खूबसूरत ये डिज़ाइन मुझे तो लगा। ओपन शर्ट में मैंने इसको डिज़ाइन को तैयार किया है, बैक साइड इसकी बिल्कुल सेम है,
सिंपल सादा का, बिल्कुल सादा है इसके। हमने सिर्फ यहाँ पर सीढ़ी लैस लगाई है बैक साइड पर इस तरीके से। तीसरी शर्ट हमारी ब्रीजे की है, खद्दर में। ये स्किन और पर्पल कलर का जो है कंट्रास्ट है इसका, खद्दर की ये शर्ट है। आजकल वैसे ये बहुत ज़्यादा ट्रेंड, जो लॉन्ग शर्ट्स हैं उनका बहुत ज़्यादा ट्रेंड हो रहा है, बहुत फैशन हो रहा है उसका, लॉन्ग शर्ट्स का। इसका हमने गोल बना गला बनाया है और नीचे से इसको कट रखा है पाइपिंग, पर्पल पाइपिंग के साथ। मैंने इसको नीचे का कट जो है इसको लगाने के बाद नीचे मैंने सेपरेट से कपड़ा लगा कर इसको दरमियान में बंद कर दिया है। ये बहुत इजी सा गला है और लगता भी पहना हुआ बहुत खूबसूरत है। इसके बाजुओं के आगे मैंने राउंड शेप में कट्स बनाए हैं। कट्स बनाने के बाद मैंने नीचे इस तरीके से रख के लैस लगा दी है। राउंड शेप में कट्स बनाने के बाद मैंने पर्पल कलर की लैस लगाई है ताकि ये बहुत ज़्यादा वाजिया हो और बहुत ही खूबसूरत लगे। इसका जो पल्ला है ये आम नॉर्मल पल्लों से बहुत ज़्यादा मैंने चौड़ाई कम रखी है। इसके चौक से मैंने यहाँ से शुरू किया कट्स बनाने, यहाँ से इस तरीके से पहले इस तरीके से कट किया और फिर नीचे से मैंने राउंड शेप में कट्स बनाना शुरू कर दिए, चौक पर भी और दामन पर भी। नहीं सिर्फ मैंने चौक पर, सॉरी चौक पर मैंने सिर्फ किया है कट्स, मैंने सिर्फ चौक पर बनाए हैं और इसके नीचे मैंने इसी तरीके से लैस लगा दी है। और दामन पर मैंने सिर्फ लैस लगाई है, इसको दामन पर मैंने कट्स नहीं बनाए हैं। दामन पर मैंने किसी और शेप में लैस लगाई है और जो चौक है दामन पर मैंने सेम इसी तरीके से लैस लगाई है, और जो चौक है चौक पर मैंने थोड़ी सी चेंज लैस लगाई है। ये लॉन्ग शर्ट है, फुल लॉन्ग शर्ट जिसको कहते हैं, वो वाली शर्ट, लॉन्ग शर्ट में मैंने इसमें बनाई है ये वाली शर्ट। बहुत खूबसूरत लग रही है ये वाला डिज़ाइन भी, आप भी इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा विंटर ड्रेसेस में, बहुत खूबसूरत डिज़ाइन लगता है ये। बैक साइड भी इसकी सेम है, बैक साइड पर मैंने यहाँ पर प्लेट्स डाले हैं और उसके साथ मैंने जिप लगाई है इस तरीके से। बैक साइड साइड भी बिल्कुल सेम है, मैंने बैक साइड पर भी इसी तरीके से मैंने यहाँ पर कट्स बना के राउंड शेप में नीचे लैस को अटैच किया है, और दामन पर सिंपल सिर्फ लैस को अटैच किया है, यहाँ पर मैंने कट्स नहीं बनाए हैं। अब मैं आप लोगों को अपनी आखिरी शर्ट दिखाती हूँ। अक्सर हमारे ड्रेसेस में से बहुत सारा जो है कपड़ा बच जाता है, सिंपल प्लेन एम्ब्रॉयडरी वाली अगर हम ड्रेसेस लेने जाएं तो उसमें से अक्सर हमारे बहुत ज़्यादा कपड़ा बच जाता है, तो आप उसकी भी इस तरीके से डिज़ाइनिंग कर सकते हैं। ये देखें ये प्रिंटेड शर्ट है, इसका कपड़ा हमारे पास बचा था। इसका मैं वो अभी सिलाई हो रही है इसकी, जो सी असल शर्ट है तो वो सिलाई होगी तो मैं आपको वो भी दिखाऊंगी। तो उसके अंदर से ये कपड़ा बचा था तो मैंने इस तरीके से इसको तैयार किया है। इसका बैन वाला मैंने गला बनाया है और यहाँ पर मैंने कढ़ाई वाले से ये कढ़ाई करवाई है ये इस तरीके से। इसके नीचे ये प्रिंट था, प्रिंट के ऊपर ही मैंने इस तरीके से कढ़ाई करवा ली। यहाँ पर ये लंबे थोड़ा सा लंबा सा प्रिंट बना हुआ था वो बन गया, और यहाँ पर एक छोटा सा पैनल बन गया। कढ़ाई वाले से मैंने इसको तीले वाली जो सिल्वर कलर की का तीला होता है मैंने उससे इसको कढ़ाई करवाई है ताकि ये बहुत ज़्यादा वाजिया हो। बैन वाला से गला, ये जो मैंने यहाँ पर डिज़ाइन बनवाया है कढ़ाई वाले से वो प्रिंट इस तरीके से था, आपको शायद नज़र आ रहा होगा इस तरीके का वो डिज़ाइन बना हुआ था, उसको मैंने यहाँ पर इस तरीके से कढ़ाई वाले से इसी के ऊपर मैंने कढ़ाई करवा दी। अब मैं आपको दामन का भी दिखाती हूँ। दामन पे मैंने भी दामन पर भी इसी तरीके से दो पैनल बनवा लिए, एक इस तरफ और एक इस तरफ। उसके नीचे मैंने बॉर्डर को अटैच कर दिया। अक्सर हमारे ड्रेसेस में से बॉर्डर बच जाते हैं, ये इसके साथ ही बॉर्डर था जो दूसरी शर्ट हमने बनाई है उसका भी आप बचा हुआ आपको दिखा रही हूँ, ये उसके साथ ही था, ये उसमें से ही बचा था, तो मैंने ये फ्रंट साइड पर मैंने इसके बॉर्डर लगा दिया। इसके जो स्लीव्स हैं वो बिल्कुल सादा बाजू रखे हैं मैंने, और ये जो बॉर्डर का जो फूल थे मैंने दो फूल उतार कर मैंने बाजुओं के आगे इस तरीके से एक इस बाजू पर और एक दूसरी बाजू पर मैंने इसी तरीके से फूल को कढ़ाई वाले से लगवा दिया। आगे से बिल्कुल सिंपल प्लेन सिर्फ पलटा लगाया है मैंने, इसके भी मैंने चौक और दामन पर सिंपल सादा पलटा लगाया है।
मैं आपको इसकी बैक साइड दिखाती हूँ। बैक साइड भी इसकी प्लेन है, सिंपल प्रिंटेड। बैक साइड पे मैंने कुछ भी नहीं किया इसका, इस तरीके से सिंपल बैक साइड पर मैंने जो चौक और दामन पर मैंने सिंपल पर्पल कलर का ही पलटा लगाया है। आप लोग चाहें तो इसको इस तरीके के डिज़ाइन को जीन्स के ऊपर भी कैरी कर सकते हैं या सेम ट्राउज़र के साथ भी आप लोग कैरी कर सकते हैं, वो अपनी चॉइस होती है इंसान की। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा आपको मेरी कौन सी शर्ट सबसे ज़्यादा प्यारी लगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।